हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलम क्रिएटिव आर्टवर्क। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये यूनिक सा ब्यूटीफुल सा मोज़ेक पॉट। आप इसको मिरर पॉट भी कह सकते हो। और अगर आप इसे आपके लिविंग एरिया में एंट्रेंस की साइड पे लगाते हैं तो उसके चार चांद लग जाते हैं, और जब भी कोई गेस्ट आएगा आपके घर में तो पहले इस पे नजर जाएगी। और ये सच में गाइस बहुत यूनिक लगता है, और उसमें जो मिरर वर्क किया हुआ है वो बहुत ही ब्राइट फील कराता है वो एरिया को। ये मुझे बहुत पसंद आया। और ये पहले तो मैं इसको ऑनलाइन परचेज करने वाली थी, बट ऑनलाइन मैंने देखा तो ये बहुत ही महंगा था, उसकी कॉस्ट बहुत ही हाई थी, यानी वो 2000 के ऊपर का था। तो ये मैंने सोचा कि मुझे इसको DIY करके बनाना है। तो गाइस, मैंने ये DIY करके ये मोज़ेक पॉट बना दिया है। तो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से मैंने उसे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने ये मिट्टी का पॉट लिया है। आप चाहे तो आपके हिसाब से आप ले सकते हो, आप ग्लास का जो पॉट रहता है वो भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने ये मिट्टी का पॉट लिया है और इसका शेप मुझे बहुत ही पसंद आया। तो अभी उसके लिए जो सामान चाहिए वो है, मैंने यहाँ पे पुट्टी लिया है, बट आपके पास सिरामिक पाउडर है तो वो आप यूज कीजिए, वो बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे मिक्स करने के लिए मैंने कंटेनर लिया, और यहाँ पे व्हाइट एक्रिलिक कलर लिया। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से ये कोन बना के रख लिया है। और सेलो टेप चाहिए, सीजर चाहिए, एक बाउल में इस तरीके से वाटर ले आप, और ये कुछ मिरर, जो भी शेप आपको पसंद है उस टाइप के आप मिरर ले लो, और ये पॉट ले लो। और यहाँ पे एक क्लॉथ भी आप रखिएगा, वो आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों चाहिए। तो अभी हम एक कंटेनर में यहाँ पे ये पुट्टी ले लिया है, और इसमें हम, मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि इसमें ग्लू भी लगेगा, तो इसमें हम ग्लू डालेंगे। ये एक्चुअली मेन इंग्रेडिएंट है, तो मैं ये मिस कर दिया था, बट आप ग्लू लेना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे ग्लू में मैंने पानी मिक्स किया है। ये जो मिक्स हम कर रहे हैं पानी, उससे ही हम अपना गोल बनाने वाले हैं। तो जितना आप ग्लू लेते हैं उसे 5 गुना ज्यादा आप उसमें पानी डाल दो और उसका एक गोल तैयार कर लो। तो इससे ही हम अपना पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट बनाने में आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका पेस्ट ज्यादा ठीक नहीं होवे या ज्यादा लिक्विडी नहीं हो जावे। आपको थोड़ा सा भी लिक्विडी होगा तो वो पॉट पे अच्छे से स्टिक नहीं होगा और वो पूरा नीचे घिरने लगेगा। तो आप इतना बात का ध्यान रखो कि आपका जो पेस्ट है वो अच्छे से ठीक हो, ज्यादा थिक भी नहीं चाहिए। अब मैं जो बनाती हूँ उस कंसिस्टेंसी पे ही आप उसको रखिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा लूज हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पुट्टी और डाल दीजिए, तो वो अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको ये पेस्ट बनाना है। अभी जो हमने ग्लू वाला पानी अलग से रखा था उसमें हम थोड़ा सा और पुट्टी डाल देंगे। ये जो हम अभी पेस्ट बनाएंगे वो सेम मेथड होगा, बट ये जो पेस्ट पहले हमने बनाया था उससे थोड़ा सा ही मैं इसमें थोड़ा और पानी डालूंगी और उसको थोड़ा सा ही लिक्विडी बनाऊंगी। लिक्विडी मैं नहीं बोल रही यहाँ पे, थोड़ा सा ही मैं उसको पतला बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने ये एक्रिलिक व्हाइट कलर लिया है, तो मैं ये व्हाइट कलर में बनाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर लिया है। और फिर आपको इसमें मिक्स कर देना है अच्छे से। और अभी मैं इसको, ये हमारा बन गया, अभी मैं उसको ये कोन में उसमें ट्रांसफर कर दूंगी और उसका एक अच्छा सा कोन बना दूंगी। और ये कोन किसके लिए मैंने बनाया मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि ये किसके लिए हमने बनाया है। तो इस तरीके से नॉर्मल जो हम मेहंदी का कोन बनाते हैं इसी तरीके से आपको ये कोन बना देना है। तो यहाँ पे कोन बन के रेडी हो गया है, और अभी ये जो पेस्ट है हम उसको पॉट पे अप्लाई करेंगे। तो ये मैं हाथ से प्रोसेस करने वाली हूँ, आप चाहे तो ग्लव्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप पेस्ट लगा रहे हो उसकी लेयर ठीक होनी चाहिए।
ताकि आप जब भी ये मिरर को उसमें स्टिक करते हो तो वो अच्छे से स्टिक हो सके। और जब भी आपका मिरर अच्छे से स्टिक होगा तो उसको निकलने का चांस नहीं रहेगा। इसके लिए ही आपको ये जो लेयर है वो ठीक लगानी है। अगर लगाने के बाद हम उसको पानी से इस तरीके से उसका जो सरफेस है उसको हम स्मूथ कर लेंगे। और जब भी स्मूथ हो जाता है उसके बाद आप ये मिरर को स्टिक कर सकते हो। तो आपके हिसाब से मिरर अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे कुछ पैटर्न सोच के रखा है, वही हिसाब से मैं यहाँ पे पैटर्न बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो उसको रैंडमली लगा सकते हो, आप चाहे तो इसमें पेबल्स भी लगा सकते हो, या कोई डिफरेंट स्टोन्स रहते हैं वो भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ये डायमंड शेप के मिरर लिए है। तो आपके अकॉर्डिंग आपके हिसाब से उसको इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये पैटर्न सोच के जो रखा था वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको मिरर को अंदर की ओर आपको उसको स्टिक करना है, थोड़ा सा उसको पुश करके दबा के उसको लगाना है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। तो इसी तरीके से आपको लगाना है। तो ये तो मेरा एक पैटर्न था। अगर आपको ये वाला पैटर्न अच्छा लगा तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, या तो आप उसको रैंडमली भी लगाएंगे तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। और जहाँ पे प्लेस थोड़ा कम था तो वहां पे मैंने स्क्वायर टाइप में जो मिरर थे वो मैंने लगा लिए, छोटे मिरर, ताकि जगह उतनी नहीं थी कि उसमें डायमंड शेप के मिरर आवे। तो मैंने यहाँ पे ये छोटा सा स्क्वायर लगाया था। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आगे आप देखते रहिए कि मैं वो कोन बनाया था वो किसके लिए था। तो इस तरीके से आप उसको अच्छे से स्टिक कर लीजिए। तो ये जो मैंने देखा था ऑनलाइन की उसकी कीमत मैंने पहले आपको बता दी कि बहुत ही हाई थी, इसके लिए मैंने ये पॉट DIY करने का सोचा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कोई चीज कि आपको ये बनाना चाहिए तो आप मुझे बताना कि मैं आपके लिए क्या बना सकूं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप हमारी चैनल पे और क्या देखना चाहते हो, किसका ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज आपके माइंड में जो भी है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, एक बात आपसे मैं शेयर करूंगी, अगर जब भी आपको हमारा वीडियो, कोई भी वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज एक लाइक कर देना, ताकि ये लाइक करने से हमको एक मोटिवेशन मिलता है और हमको ये पता चलता है कि मैंने कैसा वर्क किया है। तो अगर आप लाइक करते हो तो मुझे अच्छा फील तो होता ही है, बट मैं एक बात से सेटिस्फाई हो जाती हूँ कि नहीं, मेरा काम बहुत अच्छा हुआ है। तो गाइज प्लीज आपको पसंद थोड़ा सा भी आए तो लाइक कर देना। और अगर आप हमारी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में हिट बेल आइकन है उसको हिट करना मत भूलिएगा। और गाइज अभी बारी आ गई ये कोन हमने क्यों बनाया था। तो मैंने यहाँ पे ये अभी मिरर लगा लिए है, और जहाँ पे भी ये गैप है वहाँ पे हम इस तरीके से इसको, ये जो लाइन बनी रहती है वहाँ पे उसको हम लगाएंगे और हमारा मिरर जो है वो अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको अगर जहाँ पर भी गैप दिखती है वहाँ पे आप इसको लगाइए, ताकि वो एक स्मूथ सा सरफेस बन जाए। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है मेरे लिए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। और अभी आगे जो भी है बाकी का पॉट मैं उसको फिनिश कर दूंगी। और गाइस कि यहाँ पे जब भी आप इस तरीके का जो काउ शेप आता है आप ऊपर की ओर थोड़ा सा जाते हो तो वहां पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, बट आप थोड़ा सा ध्यान रख के करिएगा तो ये अच्छे से हो जाएगा। अगर आप रैंडमली लगाते हो तो वो आसानी से लग जाता है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इसी तरीके से रैंडमली लगा सकते हो, और वो आपके लिए बहुत आसान तरीका होगा, तो आप रैंडमली लगा सकते हो। और इसी तरीके से हम पूरे पॉट में ये मिरर्स को अप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारा मिरर लगा के रेडी हो गया है। और गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये थोड़ा मैसी हो गया था, तो मैंने हाथ से ही लगाना शुरू कर दिया। तो मैंने इस तरीके से हाथ में लेके उसको जहाँ पे भी गैप दिख रहा था वहां पे मैंने अप्लाई किया। अगर आपका मैसी नहीं हुआ है तो गाइज प्लीज आप वही कोन वाला ही प्रोसेस फॉलो कीजिए, ताकि आपको और एक स्टेप नहीं करना पड़े। और अभी ये हमारा सूख के रेडी हो गया है, आपको उसको अच्छे से सूखने देना है। 3-4 घंटे उसको सूखने में लगेंगे। और उसके बाद कोई भी एक शार्प चीज ले लीजिए और उस पे आप जहाँ पे मिरर है वहाँ पे से आप ये जो आपने पुट्टी लगाई है या सिरामिक पाउडर लगाया है उसको आप निकाल सकते हो और वो आसानी से निकल सकता है। बट ये थोड़ा सा प्रोसेस आपको इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा ये प्रोसेस में, तो इसके लिए ही मैंने वो वाला कोन बनाया था। तो गाइज आपको अगर कोन यूज़ करेंगे तो आपको ये वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। और इसी तरीके से हम पूरे पॉट में से ये जो एक्स्ट्रा है वो हटा लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुली करना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से उसको ये क्लीन करना है मिरर को। अगर आपका ये प्रोसेस फिनिश हो जाता है उसके बाद आप गीले कपड़े से उसको साफ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा मिरर दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ये वेट क्लॉथ लिया है और उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो ये देखिए गाइस, ये मिरर क्लीन करके अभी रेडी हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो दिख रहे है। तो बहुत ब्यूटीफुल सा लुक दिखेगा। और ये प्रोसेस मैं पूरे पॉट पे अप्लाई करूंगी। और गाइज अभी आप देखिएगा कि कैसा हमारा पॉट बनके रेडी हुआ है। अगर आपको हमारा ये मोज़ेक पॉट पसंद आया है तो एक लाइक बनता है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइक बटन पे आपको हिट करना है और मुझे बहुत ही अच्छा फील होगा गाइज। और एक मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। और अगर आप मुझे कमेंट करके बताना चाहते हो कि कैसा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपके लिए और कौन से वीडियो लेके आऊँ वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और थैंक यू गाइस, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों को थैंक यू। और जो हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनको वेलकम टू माई चैनल। और आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।